गगन के चेहरे पर खुशी देखकर अधीर समझ गया था कि हो सकता है गगन का चुना हुआ टी टेक्नीशियन बेहतर हो, लेकिन वो इन सभी बातों से नहीं डरता था। उसे टी टेक्नीशियन पर भरोसा हो या ना हो, पर उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था। वो जानता था कि वो गगन को बहुत आसानी से हरा सकता था। दूसरी तरफ गगन के मन में चल रहा था कि इस टेक्नीशियन के साथ तो वो चाह कर भी अधीर से नहीं हार सकता। उसे भी अपनी जीत का पूरा कॉन्फिडेंस था। गगन ने अधीर से कहा, अधीर जी, आपने अपना टी टेक्नीशियन चूज कर लिया है, अब आपको बेट लगानी है। आप इसमें कम से कम 10 लाख रुपए लगा सकते हैं। उससे कम पैसे ये कैफे अपने टेक्नीशियंस की बेइज्जती समझता है, और ज्यादा से ज्यादा तो आप कितने भी लगा सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। गगन की ये बात सुनकर अधीर समझ गया कि उसे गगन को कैसे हराना है। बैट लगाने के लिए अधीर और गगन ने अपने सामने रखे QR कोड को स्कैन किया। अधीर ने पहली बैट सबसे कम अमाउंट से लगाई। उसने अपने फोन पर 10 लाख टाइप किया और बैट लगा दी। अधीर की लगाई बैट गगन की स्क्रीन पर दिखने लगी। उसने भी 10 लाख की बैट लगाई और गेम शुरू हो गया। अधीर ने वेटर से पूछा, अब आगे क्या करना है? वेटर ने अधीर से कहा, सर, अब आप दोनों के टी टेक्नीशियंस की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी, और आप दोनों को 3 तरह की अलग अलग चाय अपने ओपोनेंट के टेक्नीशियन के लिए चूज करनी है। जो चाय आप चूज करेंगे वो हम आपके सामने बनाएंगे, और दोनों टेक्नीशियंस को वो चाय टेस्ट करके उसकी सही पहचान करनी पड़ेगी। जिसका भी टेक्नीशियन सही गेस करेगा वो प्लेयर बैट जीत जाएगा। अधीर को अब पूरा गेम समझ आ चुका था। वेटर की बात सुनकर गगन ने सोचा कि वो अधीर से पहले चाय चूज करेगा, ताकि उसे सबसे मुश्किल फ्लेवर चूज करने को मिले। उसने सारी चाय की पत्तियों में से 3 सबसे मुश्किल चाय चूज करके वेटर को बता दी। अब चाय चूज करने की अधीर की बारी थी। अधीर ने मातृका की तरफ देखा और उसे चाय चूज करने को कहा। मातृका ने अधीर से घबराते हुए कहा, नहीं अधीर, मैं ये नहीं कर सकती। तुमने 10 लाख रुपए की बेट लगाई है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम हार जाओ। वैसे भी ये चाय के फ्लेवर्स मैंने कभी सुने भी नहीं है, तो मुझे इनकी कोई समझ नहीं है। तुम प्लीज खुद ही डिसाइड करो, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर मातृका पीछे हट गई। अधीर ने मातृका के करीब जाकर उसके कान में कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें प्रेशर फील करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा जो दिल कहे बस वो 3 चाय पर हाथ रख दो। हार हुई भी तो मेरी, और जीत हुई तो भी, तो तुम्हें गिल्टी फील नहीं करना पड़ेगा। अधीर को मातृका के कान में फुसफुसाता देख गगन को लगा कि जैसे अधीर उसके साथ कोई स्ट्रैटेजी बना रहा है। उसने अधीर को टोकते हुए कहा, क्या हुआ अधीर जी, 3 चाय सिलेक्ट करने में इतना टाइम? मैंने तो सोचा था कि जितनी जल्दी आपने टेक्नीशियन चुना उतना ही कॉन्फिडेंस आप पूरे गेम में रखेंगे, लेकिन अब तो लगता है कि पूरा दिन चाय चूज करने में ही निकल जाएगा। गगन की बात सुनकर मातृका ने उसे घूरा और वेटर के सामने रखी सारी चाय में से 3 पर हाथ रख दिया। दोनों प्लेयर्स के चाय सिलेक्ट करते ही वेटर ने शेफ को चाय बनाने का इशारा किया। थोड़ी ही देर में शेफ चाय तैयार करके ले आया, और दोनों टी टेक्नीशियंस को उनके हिस्से की चाय दे दी गई। गगन के टी टेक्नीशियन ने अगले 5 सेकंड में मातृका की सिलेक्ट की हुई चाय पहचान ली। वो इतना एक्सपीरियंस था कि उसे चाय गेस करने के पहले चाय पीने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसने चाय की महक ली और एक बार में 3 चाय के फ्लेवर बता दिए। ये देखकर गगन की खुशी 7वें आसमान पर थी। उसने अपने टी टेक्नीशियन से हाथ मिलाया और उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। अब बारी थी अधीर के टी टेक्नीशियन की, जिसे गगन के सिलेक्ट किए हुए चाय के फ्लेवर्स चख के सही फ्लेवर्स बताने थे। टी टेक्नीशियन ने बहुत कोशिश की कि वो चाय को पहचान पाए, लेकिन कम एक्सपीरियंस होने की वजह से उसे चाय पहचानने में बहुत वक्त लग रहा था। उसने एक एक करके 3 चाय खत्म कर दी, फिर भी उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। गगन ने अधीर से कहा, ठीक है फिर अधीर जी, मुझे लगता है कि फैसला हो गया है। आपकी टेक्नीशियन चाय नहीं पहचान पा रही है, लगता है इस गेम का विनर मैं ही हूँ, लेकिन आप बुरा मत मानिए। आपको गगन अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अधीर की टेक्नीशियन बोल पड़ी, और उसने एक एक करके 3 फ्लेवर्स के सही नाम बता दिए। सही नाम सुनकर मातृका के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। अधीर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सिर्फ बैट जीतने पर फोकस कर रहा था। वेटर ने अनाउंस किया कि दोनों पार्टिसिपेंट्स के बीच में गेम टाई हो चुका है। गेम इतना इंटरेस्टिंग हो गया था कि कैफे में बैठे सभी लोग अपनी अपनी बातें छोड़ गेम में ध्यान देने लगे। सभी लोग 2 पार्टी में बट गए। एक वो लोग थे जो गगन को सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरी तरफ वो जो अधीर के साथ थे। कैफे में सिर्फ 5 लोग थे जिन्हें ऐसा लगता था कि अधीर जीतेगा। उन लोगों ने आपस में अधीर और गगन के जीतने पर एक दूसरे से बैट लगा ली थी।
अधीर ने बेटे से पूछा, अब गेम में टाई हुआ है तो कौन जीता है, इसका फैसला कैसे होगा? बेटे ने अधीर से कहा, क्योंकि ये राउंड टाई हुआ है इसीलिए आप दोनों के राउंड का 5% हिस्सा कैफे को जाएगा और बाकी का पैसा आपके अकाउंट में वापस भेज दिया जाएगा। आप दोनों अगर चाहें तो नेक्स्ट राउंड खेल सकते हैं, लेकिन आपको बेट 10 लाख से ज्यादा की लगानी होगी। तो बताइए, आप लोग नेक्स्ट राउंड खेलना चाहेंगे? बेटा की बात सुनकर मातृका ने मन ही मन सोचा, 10 लाख का 5%, बाप रे, ये तो दिन दहाड़े लूट है और कमाने का सबसे आसान तरीका भी। अब समझ आया कि ये कैफे इतना फैंसी कैसे है। उसने सोचा कि वो अधीर को अगला दाव खेलने से मना कर देगी, आखिर इतना पैसा बेमतलब सट्टे पर बर्बाद करके कोई फायदा नहीं था। गगन को दुख हुआ कि बेमतलब इस टाई की वजह से उसने अपने हिस्से का 5% भी गवा दिया, लेकिन गगन ने अभी हार नहीं मानी थी। वो अधीर को इस गेम में धूल चटाना चाहता था। उसने अधीर से कहा, क्या कहते हैं अधीर जी, नेक्स्ट राउंड कर लिया जाए? गगन की बात सुनकर अधीर ने केवल हां में सर हिलाया। गगन ने अधीर से कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस गेम में थोड़ा रिस्क बढ़ाना चाहिए, इस बार हम 50 लाख की बेट लगाते हैं। गगन की बात सुनते ही मातृका की आंखें चौड़ी हो गई, लेकिन अधीर मुस्कुराने लगा। वो समझ गया था कि फिर से गगन उसे पैसों की धौंस दिखाकर छोटा महसूस कराना चाह रहा था, लेकिन अधीर भी कम नहीं था। अब उसे गेम समझ आ चुका था और वो अब उसके लिए गगन को हराना और भी आसान था। उसने गगन से कहा, अरे गगन, रिस्क बढ़ाना ही है तो एक असली बिजनेसमैन की तरह बढ़ाते हैं। इतना बोलते ही अधीर ने QR कोड स्कैन किया और 1 करोड़ रुपए की बेट लगा दी। ये अमाउंट स्क्रीन पर देखकर गगन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने स्टेक्स बढ़ाए थे, लेकिन वो 1 करोड़ जितना रिस्क नहीं लेना चाहता था। 1 करोड़ का अमाउंट देखकर कैफे के सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अभी तक वो समझ गए थे कि गगन को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उसका टी टेक्नीशियन सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस था। सभी लोगों को लग रहा था कि या तो अधीर बहुत बड़ा मूर्ख है, या वो सिर्फ एक अमीर बाप की औलाद है जो सिर्फ अपने बाप के पैसों को उड़ा रहा है। अधीर के टेक्नीशियन को भी लगा कि अधीर एम्बिशियस हो रहा है और उसे अपनी बेट वापस ले लेनी चाहिए। इन सभी लोगों के ओपिनियन से बहुत दूर अधीर सिर्फ हाथ बांध कर खड़ा था और उसे देख कर कोई भी बोल सकता था कि उसने डिसीजन ले लिया था और वो अब तस से मस नहीं होने वाला था। गगन जानता था कि अधीर ने जितने पैसों की बेट लगाई है, गगन को भी या तो उतना या उससे ज्यादा की बेट लगानी होगी। गगन ने घबराते हुए अधीर से कहा, अरे सर, आप इतने बड़े अमाउंट का बेट कैसे लगा सकते हैं? 10 लाख से सीधा 1 करोड़, ये गलत है। अधीर ने गगन से कहा, इसमें क्या गलत है, मुझे तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं दिख रहा। कैफे के रूल के हिसाब से अपर लिमिट नहीं है, मतलब मैं 1 करोड़ लगाऊं या 10 करोड़, तुम्हें उससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अगर तुम बेट नहीं लगा सकते हो तो हार मान लो। अधीर ने थोड़ा रुक कर फिर गगन को छेड़ते हुए कहा, तुम तो इतनी बड़ी म्यूजिक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो, ये अमाउंट तो तुम्हारे लिए चिल्लर के बराबर है। अधीर बहुत अच्छे से जानता था कि खुद के पैसों से तो गगन इस जन्म में इतनी बड़ी बेट नहीं लगा पाएगा, लेकिन अभी तक उसने गगन को जितना जाना था उससे वो इस बात को तो अच्छी तरह से जानता था कि गगन इतनी आसानी से हार मानेगा नहीं, आखिर वो पक्का खिलाड़ी जो है। लेकिन देखना बस ये था कि आखिर गगन पैसों के लिए क्या करेगा। गगन ने सोचा भी नहीं था कि अधीर अपने पैसों का इस्तेमाल करके उसे हराने की कोशिश करेगा। उसके पास प्रॉपर्टी थी जिसे वो इन्वेस्ट कर सकता था, लेकिन कैफे प्रॉपर्टी नहीं सिर्फ पैसा ही लेता था और गगन के पास फिलहाल इतना पैसा नहीं था। गगन ने ठीक वही किया जो अधीर ने सोचा था। गगन इतनी जल्दी अधीर से हार नहीं मान सकता था। उसने सोचा कि वो एक इतनी बड़ी म्यूजिक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है और उसके कांटेक्ट में कई फेमस और सक्सेसफुल सिंगर्स हैं जिनके करियर उसकी कंपनी ने बनाए थे। उसे यकीन था कि अगर वो उन सिंगर्स से हेल्प मांगेगा तो वो उसे कभी मना नहीं करेंगे। गगन अधीर से वॉशरूम का कहकर कैफे के बाहर आ गया और उसने फटाफट सभी सिंगर्स को कॉल करके पैसे मांगे। अगले 10 मिनट में उसके पास 1 करोड़ रुपए जमा हो गए थे। वो सर उठाकर कैफे के अंदर गया और सीधे जाकर QR स्कैन करके 1 करोड़ रुपए की बेट लगा दी। गगन के 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करते ही सभी लोगों ने गगन की हिम्मत की दाद देते हुए उसके लिए तालियां बजाई। उन दोनों के इस रोमांचक खेल को देखने के लिए कैफे में बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी और इसीलिए कैफे का ओनर भी आज बहुत खुश था, क्योंकि आज तक कैफे की इतनी कमाई कभी नहीं हुई थी। अधीर ने गगन की शक्ल पर घमंड देखा और उसने अपना फोन निकालकर फिर से QR स्कैन किया और बेट में 1 करोड़ रुपए और लगा दिए।
ये देखकर पूरे कैफे में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अधीर करना क्या चाहता था, लेकिन गगन अधीर की चाल बहुत अच्छे से समझ रहा था। वो जान गया था कि अधीर को अब खेल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ गगन को कंगाल करना चाहता था ताकि गगन बेट न लगा पाए और खुद ही हार मान ले। गगन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करे। अब तो उसके पास कोई सिंगर्स भी नहीं बचे थे जिन्हें फोन करके वो पैसे का बंदोबस्त कर पाए। उसने फिर भी एक कोशिश की और अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को फोन करके एक बार फिर 1 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। हालांकि इस बार उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि वो अगर नहीं जीता तो वो इतने सारे पैसे कैसे लौटाएगा। उसने खुद को समझाया कि सारे ऑड्स अधीर के खिलाफ थे और उसका टी टेक्नीशियन अधीर की उस टी टेक्नीशियन से ज्यादा अच्छा था, इसीलिए उसे बिना डरे बस गेम आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन अधीर का मकसद साफ था, वो गेम आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहता था, इसीलिए एक बार फिर उसने 1 करोड़ रुपए स्कैन करके बेट में लगा दिए और हाथ बांध करके बस मुस्कुराता हुआ गगन को देखता रहा। क्या गगन फिर से पैसे जमा कर पाएगा? क्या गगन को अधीर के सामने झुकना पड़ेगा? क्या अधीर ये गेम जीत पाएगा? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन सिर्फ पॉकेट एफएम पर।